हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा टेली सर्विसेज शेयर के रिगार्डिंग, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं एक अपर सर्किट हमें लगता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है 87.30 की है, और आज की क्लोजिंग अगर हम डिस्कस करते हैं तो 91.65 की क्लोजिंग है, जो कि 4.98% है। ऑलमोस्ट हमारा 5% का अपर सर्किट इसमें हमें देखने को मिला है। तो और भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इसमें अभी भी और भी ज़्यादा ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लोग यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सिनेरियो है। लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अभी काफी टाइम से नेगेटिव चल रहा था, बट स्टिल अभी अभी हमारे यहाँ पे अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है। तो अभी अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है हमारा, कल भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, आज तो अपर सर्किट ही लग गया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें 4 से 5 दिन तक आने वाले टाइम में इसको पॉजिटिव मोमेंटम देखने का है। ये इसीलिए है क्योंकि एक रीजन है, एक लॉजिक है, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ उसका क्या लॉजिक है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 1 मंथ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। 6 मंथ के अकॉर्डिंग भी हमारा 25% डाउन है, एंड 1 मंथ के अकॉर्डिंग, 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी डाउन है। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम मैंने 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस समय कुछ पैसे का शेयर चल रहा था, और अभी देखेंगे 1261% का, यानी कि 12 गुना काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। यहाँ तक तो कम से कम 15 गुना या 20 गुना हमें शो हो रहा होगा, राइट। और ये देख सकते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है NSEIndia.com, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी में, मतलब बाइंग ऑर्डर डाला हुआ है 3,65,481 का है, और इसे हम लोग देखेंगे तो एक भी ज़्यादा सेल ऑर्डर नहीं है। इसकी वजह से कल की मार्केट में भी कहीं ना कहीं हमें अपर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए, जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके क्या रीजन्स है, क्या लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अपर सर्किट तो अपर सर्किट ही लगेगा, उसके पीछे का लॉजिक है मैं आपको वो भी बताती हूँ, है ना। वो लॉजिक है, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। लॉजिक देख सकते हैं, 3,65,441 का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव मूव है, जो कि बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। अगेन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे BSE India पे, तो BSE India पे भी दबा के बाइंग की गई है। देख सकते हैं डेट 28 दिसंबर 2022 का है, 1,91,770 का क्वान्टिटी ट्रेड किया गया है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,69,928। परसेंटेज की बात करें तो 88.61 का यहाँ पे हमें क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जो कि 60+ से ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं अभी बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या मोमेंटम। आप बात करते हैं पहले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कुछ हम टेक्निकल्स भी देखेंगे और कुछ फंडामेंटल्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो लो गया है वो गया है 89.20, हाई गया है 91.60, और अपर में ही अपर सर्किट में यहाँ पे दे दे स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में ही। तो स्ट्रेंथ देख सकते हैं, 6 वीकनेसेस है, 4 अपॉर्चुनिटी है, 2 LTP इज ग्रेटर देन 2, मतलब रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं हम लोग, इसको मैं यहाँ पे साइड कर देती हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, ये भी अपर सर्किट, और आज भी हमें अपर सर्किट लगता है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव है। यहाँ से जिन लोगों ने पकड़ा होगा इसको, बहुत अच्छा मार्केट है। 98 का जो हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे, देख सकते हैं 97 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ तक का। जिन लोगों ने यहाँ पे ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे, अगर कुछ लोगों को फ्रेश बाइंग भी करनी है, मान लो किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उनका हम ना फिर थोड़ा सा वो रह जाएगा, थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ का स्टॉप लॉस मत लगाना गलती से भी, मतलब कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस वाले कैंडल के नीचे, और यहाँ तक का हम रखेंगे टारगेट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना भाग चुका है, तो यही हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट रहेगा 10 पॉइंट, 103 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है, उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 111 तक के हम लोग टारगेट देख सकते हैं, 3 टारगेट है इसके अकॉर्डिंग। देखते हैं मार्केट जिससे हम होता क्या, कि मान लो यहाँ तक हमें मिल गया तो कुछ क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी, कुछ क्वांटिटी होल्ड कर, अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, तो उसके अकॉर्डिंग है, बाकी री एंट्री तो हम लेते रहते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ उसके साथ साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एंड इसका देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज का स्टैंड अलोन का जो सेप्टेम्बर का रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 3.31% का पॉजिटिव मूव है, जो कि हम देख सकते हैं
277.66 सीआर का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम शो करता है। एंड इसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत ज़्यादा जिसको सेव करना है, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। इसके ऊपर अगर गया मार्केट, अगर मतलब बिना रुके मार्केट चला गया तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ तक बिना रुके मार्केट अगर वन साइडेड मूव यहाँ तक भी चला गया काफ़ी अच्छा रहेगा, बट हम लोग यही वाला टारगेट कंसिडर करेंगे। अगर चला गया मार्केट में तो आप लोगों को ये कर सकता है, वो ट्रेल कर सकते हैं, है ना, ट्रेल आप लोग कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बड़े मूव्स भी कैप्चर कर पाए। अगर बड़े मूव्स मार्केट में आते हैं तो हमें मिलना चाहिए था कि हम लोग अपने, अगर हम लोगों ने एंट्री ले रखी है और बड़े मूव आ गए तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, बाद में रिग्रेट फील होता है। इससे अच्छा कुछ कुछ क्वांटिटी तो कम से कम होल्ड कर रखो ताकि कुछ तो प्रॉफिट आ जाए। बाइंग क्वांटिटी देख सकते हैं 91% के सेलिंग का, देख सकते हैं यहाँ पे 6% की सेलिंग है, 3% की यहाँ पे होल्ड है। एंड मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा इसकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 17,917 की है, करंट प्राइस है 91.6, हाई है 291, लो गया है 78.8, फेस वैल्यू है इसका 10, और बाकी सब चीज़ें भी है मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। टेली सर्विसेज में है, महाराष्ट्र की कंपनी है, खैर कंपनी कहीं की भी हमें तो ट्रेड करने से मतलब है। देख सकते हैं डेटर्स डेज इंप्रूव, पहले से इंप्रूव है, मतलब प्रॉज है कि कौन सा है। कंपनी इज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और पिछले 5 साल से थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हमें शो हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट तो ये देख सकते हैं, पहले -295 था, अभी 293 है, तो माइनस के अकॉर्डिंग देखें माइनस में ही है। ये हमारा वहाँ पे पॉजिटिव पता है क्यों शो हो रहा था, प्रॉफिट लॉस देखो, पहले था 12 -1215, अभी भी माइनस में है, लेकिन -1171 है, तो इसके मुताबिक ये हमारा कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव मूव दिख रहा था। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए मत लेना, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है। एंड ये मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जो जो टारगेट्स वही टारगेट्स, क्योंकि फंडामेंटल ना बहुत ज़्यादा इसका वीक हो चुका है, फंडामेंटल इसका बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 7097, सेकेंड टारगेट ऑफ दिस, और इधर कहेंगे अगर फॉर्म डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे तो थर्ड टारगेट, यहाँ पे हम लोग सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, है ना, वो चीज़ें मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। फंडा बे और यहाँ पे रिजर्वेशन भी देखेंगे ना, तो पहले से इसके रिजर्वेशन भी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। एंड बोरिंग्स भी देखेंगे तो धीरे धीरे इसकी बोरिंग्स भी बढ़ती जा रही है, तो फंडामेंटली धीरे धीरे कंपनी कैसा हो जा रहा है, वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड बाकी सारी चीज़ें तो इन्वेस्टमेंट वगैरह ठीक है, ऐसी बात नहीं है इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या सिनेरियो रहता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर जो हमारा प्रमोटर्स है वो भी सेम है, ये भी सेम है, इट्स ओके, तो सारी चीज़ें सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप से मिस ना पाए। एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर किसी शेयर के रिगार्डिंग आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए या कोई भी मतलब कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।